अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 10 दिन में वेस्ट इंडीज के दो खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। कप्तान जेसन होल्डर पर स्लोअर रेट और शेनन गैब्रियल पर विरोधी टीम के खिलाड़ी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण। होल्डर पर एक मैच और गैब्रियल पर 4 मैच का प्रतिबंध है। गैब्रियल पर मैच फीस का 75% जुर्माना भी लगा। इसके बाद क्रिकेट वेस्ट इंडीज के अध्यक्ष डेव रिचर्डसन ने आईसीसी के स्लोअर रेट नियम की समीक्षा करने तक को कह दिया। हालांकि क्रिकइंफो की रिपोर्ट की माने तो वेस्ट इंडीज सबसे कम अनुशासित टीम है। उसने पिछले 16 साल में 46 बार नियम तोड़े हैं, पिछले 27 साल में 487 बार नियमों का उल्लंघन। साल 1992 के बाद से 487 ऐसे मौके रहे जिसमें खिलाड़ियों ने नियमों का उल्लंघन किया या फिर मैदान पर अपमानजनक टिप्पणी की। इसमें आईसीसी ने खिलाड़ियों या कप्तान पर जुर्माना लगाया, कई मौकों पर चेतावनी देकर ही छोड़ दिया। पिछले 16 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम सबसे कम अनुशासित टीम रही। टीम ने 46 बार स्लो ओवर रेट का नियम तोड़ा। इस दौरान उसने 88 ओवर कम फेंके। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा, उसने 32 बार स्लो ओवर रेट का उल्लंघन किया। इस दौरान उसने 69 ओवर कम फेंके। भारत पर आखिरी बार 2014 में स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगा था। वहीं भारतीय टीम पर पिछले 4 साल और 216 मैच से स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना नहीं लगा। 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर एक मैच का प्रतिबंध लगा था। 2003 के बाद से कभी भी एक साल में 60 से कम ओवर का नुकसान नहीं हुआ। भारतीय गेंदबाजों में रविंद्र जडेजा ने यह नियम कभी नहीं तोड़ा। वेस्ट इंडीज ने बचकर 100 मैच में 6.45% बार नियम तोड़े। वेस्ट इंडीज स्लो ओवर रेट के मामले में टॉप पर है। उसने बचकर 100 मैच में 6.45% बार नियम तोड़ा। उसने 698 मैच में 45 बार नियम तोड़ा। नेपाल ने 21 मैच में एक बार 4.76%, पाकिस्तान ने 750 मैच में 32 बार 4.27%, अफ्रीका ने 731 मैच में 32 बार 4.38%, इंग्लैंड ने 840 मैच में 31 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 858 मैच में 28 बार, श्रीलंका ने 803 मैच में 26 बार, भारत ने 854 मैच में 27 बार और बांग्लादेश ने 530 मैच में 11 बार नियम उल्लंघन किया। 2003 से कप्तान पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ। आईसीसी ने 2003 से स्लो ओवर रेट के मामले में कप्तान पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। इसकी वजह यह रही कि 1997 में 73, 98 में 59, 99 में 60, 2000 में 77, 2001 में 78 और 2002 में 124 ओवर कम फेंके गए। इसके बाद अप्रैल 2003 से इस मामले में कप्तान की जवाबदेही तय की गई। स्लो ओवर रेट संबंधी नियम टेस्ट में 1 घंटे में 15 ओवर का नियम है। इससे कम करने पर गेंदबाजी टीम के कप्तान या पूरी टीम पर जुर्माना लग सकता है। वनडे में 3.5 घंटे में 50 ओवर करने होते हैं या विरोधी को ऑल आउट करना होता है। टी डच में एक पारी 90 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती। इंजरी टाइम आउट, DRS रिव्यू, साइट स्क्रीन प्रॉब्लम, ड्रिंक्स ब्रेक या किसी अन्य वजह से मैच रुकने का समय इसमें शामिल नहीं होता है। विराट कोहली की कप्तानी में 129 मैच में सिर्फ एक बार ही स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगा। विराट कोहली ने 129 मैचों में कप्तानी की, इसमें से सिर्फ एक बार स्लो ओवर रेट का उल्लंघन हुआ, वह भी सिर्फ एक ओवर का। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया, ग्रीम स्मिथ दक्षिण अफ्रीका और सौरव गांगुली भारत की कप्तानी में सबसे ज्यादा ओवरों का नुकसान हुआ। अप्रैल 2003 के बाद पोंटिंग ने 287 मैचों में कप्तानी की, इस दौरान 36 ओवर कम फेंके गए, जबकि स्मिथ ने 286 मैच में कप्तानी की, इसमें 34 ओवर का नुकसान हुआ। गांगुली की कप्तानी के 64 मैचों में 31 ओवर कम फेंके गए। रोहित शर्मा ने 25 मैचों में कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में अब तक टीम ने कभी स्लो ओवर रेट नियम का उल्लंघन नहीं किया।